अस्सलाम वालेकुम आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्राइव केसी एक्सप्रेशन फॉर वेरियस रिएक्शन कि हमें अगर केमिकल रिएक्शन दिया जाए तो हम उसके लिए केसी एक्सप्रेशन यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैसे ड्राइव करेंगे तो यहाँ गौर कीजिएगा हम रिएक्शन लिख रहे हैं नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ एच टू के साथ और इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है वो है जी एन एच थ्री तो ये हमें रिवर्सिबल रिएक्शन दिया गया है और ये इसको बैलेंस करते हैं तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है रिवर्सिबल रिएक्शन की तो हमने इस रिएक्शन के लिए केसी एक्सप्रेशन ड्राइव करना है तो इसमें एन टू और एच टू रिएक्ट करते हैं तो ये इसका फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया और यहाँ अमोनिया जो है वो दोबारा एन और एच में चेंज हो जाती है तो ये इसका रिवर्स रिएक्शन है तो हमने इस रिएक्शन के लिए कैसी एक्सप्रेशन ड्राइव करना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेस टू पावर ऑफ क्वाफिशेंट तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ एन टू एंड प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ एच टू और रेस टू पावर ऑफ क्वाफिशेंट तो यहां मोलर कंसेंट्रेशन एन टू की आ गई और ये मोलर कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाई और एच टू की और उसका क्वाफिशेंट जो है वो उसकी पावर होगा इसी तरह हम लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज इक्वल टू अब हमने यहां परोपोर्शनैलिटी को खत्म कर दिया और इसके लिए हम लगाएंगे रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और लिखेंगे एन टू की मोलर कंसंट्रेशन और एच टू की मोलर कंसेंट्रेशन और इसकी जो पावर है वो थ्री है तो ये हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन आ गया अब हम रिवर्स रिएक्शन के लिए लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्योंकि यहां रिवर्स रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या है अमोनिया है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर ऑफ कॉफिशेंट और ये जो कॉफिशेंट है उसकी पावर बनेगा तो अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन प्रपोशनैलिटी को करेंगे खत्म और हम यहां लिखेंगे रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन और यहां आ जाएगा अमोनिया की कंसंट्रेशन और उसकी पावर क्या है टू है तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए हम जानते हैं एट डायनामिक इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के अब हम इनकी वैल्यूज जो है वो यहां पुट करेंगे तो ये बराबर होता है के एफ एन टू यहां से देख के लिखेंगे और ये हो गया आपके पास एस टू की पावर थ्री तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट की एक्सप्रेशन की वैल्यू हमने पुट कर दी और यहां हमने देखना है कि आर आर बराबर है के आर के और ये अमोनिया की कंसंट्रेशन और इसकी जो पावर है वो टू है अब हम इस तरह करेंगे कि के एफ को के आर से डिवाइड कर देंगे इधर लाके और ये इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा तो अमोनिया की कंसंट्रेशन की पावर टू आ गई और ये एन टू की मोलर कंसंट्रेशन और ये एच टू की मोलर कंसंट्रेशन और इसकी पावर आ जाएगी थ्री तो ये बराबर होगा के सी के तो हम लिखेंगे केसी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर है अमोनिया एन एच थ्री इसकी मोलर कंसेंट्रेशन आ जाएगी और इसकी पावर है टू ओवर यहां आ जाएगा एन टू की मोलर कंसंट्रेशन और ये एच टू की मोलर कंसंट्रेशन और उसकी पावर थ्री है तो हमने इस तरीके से केसी एक्सप्रेशन ड्राइव किया अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए तो इस तरीके से किसी भी रिवर्स रिवर्सिबल रिएक्शन का केसी एक्सप्रेशन ड्राइव किया जा सकता है लॉ ऑफ एक्शन को फॉलो करते हुए नेक्स्ट नेक्स्ट हम इस रिएक्शन को देखते हैं एन टू प्लस ओ टू ये रिएक्शन हुआ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये बन गया एन नाइट्रिक ऑक्साइड और ये हमने इक्वेशन को कर दिया बैलेंस तो इसके लिए हम कैसी एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे तो ये इसका फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये इसका रिवर्स रिएक्शन है और फॉरवर्ड में ये रिएक्टेंट्स है और रिवर्स में ये रिएक्टेंट है तो गौर कीजिएगा हम लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करते हुए तो हम लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो हम इसकी रिएक्टेंट्स की मोलर कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट लेंगे यहां पे तो O2 और N2 की मोलर कंसेंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और ये रेट ऑफ फॉरवर्ड दू अब आएगा रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन के एफ और ये आ जाएगा N2 वैसे का वैसे और ओ टू भी वैसे का वैसे अब हम लिखेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रिवर्स रिएक्शन में क्योंकि एनओ है रिएक्टेंट तो एनओ की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेज टू तो पावर ऑफ कॉफिशेंट और ये जो कॉफिशेंट है ये इसकी पावर होंगे तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ एनओ क्योंकि यहां रिवर्स रिएक्शन में एनओ NO जो है वो आपका रिएक्टेंट है और जो कॉफिशेंट है वो उसकी पावर होंगे अब हम लिखेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन प्रपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन लिखेंगे एनओ NO और उसकी जो पावर होगी वो टू होगी अब हमें पता है एट डायनामिक इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के तो हम इन एक्सप्रेशन की यहां से वैल्यू पुट करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा के एफ और ये एन टू की कंसंट्रेशन और आ जाएगा ओ टू की कंसंट्रेशन बराबर है आर आर बराबर है किसके के आर के और ये एनओ और इसकी पावर कितनी है जी टू है तो अब इसको के एफ बटा के आर ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा और इसको इधर लेके ले जाएंगे और डिवाइड करेंगे तो ये एन ओ वहीं लिखेंगे इसकी पावर टू है और एन टू रो टू की मोलर कंसेंट्रेशन से डिवाइड करेंगे तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा अब ये के एफ बटा के आर बराबर होता है केसी के इक्विलिब्रियम के, कांस्टेंट के तो एन नो की पावर टू है और ये एन टू की मोलर कंसंट्रेशन और ये ओ टू की मोलर कंसेंट्रेशन तो इस तरीके से लॉ ऑफ एक्शन को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए Kc एक्सप्रेशन ड्राइव कर सकते हैं अल्लाह हाफिज